हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में होने वालों में से था, यानी मनुष्य द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया अन्न था वो कौन सा था। ऑप्शन आपके पास जाओ, जई, राई या गेहूं। तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब मनुष्य ने स्टार्टिंग की, खेती वेती करना स्टार्ट किया, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जौ का इस्तेमाल किया था और इसे प्राचीन भाषा में यौ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी वो क्या थी। ऑप्शन आपके पास दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान, धर्म स्थल या कला और वास्तुकला। तो मैं आपको बता दूं, दग्ध ईंटें मतलब होता है कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना, पकी हुई ईंटों से बनी इमारतें। तो सही ऑप्शन कमेंट करके बताइए। तो यहाँ जो आपका ये ऑप्शन है सही हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यही थी, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यही था कि वो लोग पकी हुई ईंटों से बनी इमारतें बना, मतलब पकी हुई ईंटों से इमारतें बनाते थे। तो ये उनकी एक बहुत ही मेन क्वालिटी थी। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे, यानी किस धातु से वो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ऑप्शन आपके पास तांबा, चांदी, पत्रे या लोहे। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचय लोगों का हुआ उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल तक भी लोगों को लोहे से के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में लोहा आपका सामने आया, लोहे के बारे में परिचय हुआ लोगों का, लोगों के लोहे के बारे में जो जानकारी मिली लोगों को वो उत्तर वैदिक काल में मिली थी। तो यहाँ डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है, ऋग्वैदिक युग का, लौह युग का, सिंधु घाटी युग का या गुप्त काल का। तो हम जानते हैं कि लोथल किससे रिलेटेड है, सिंधु घाटी युग से रिलेटेड है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोथल किस स्थान पे पाया गया है, तो ये आपका गुजरात, गुजरात में मिला है, भारत के गुजरात में लोथल नामक सिंधु घाटी स्थल मिला हुआ है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद इन चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध कौन सा था, पशु चोरी, अपहरण, हत्या या बलात्कार। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि ऋग्वेद में जो पशु चोरी था वो बहुत आम अपराध था, बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं था कि नहीं बहुत ज्यादा दंडित अपराध होगा, ऐसा नहीं था। तो सबसे आम अपराध ऋग्वेद में क्या था, पशु चोरी। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, प्रश्न उपनिषद से, तैत्तरीय उपनिषद से, मांडूक्य उपनिषद से। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है, गांधार, मथुरा, सुंग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जो मथुरा है, मथुरा की जो कला है उसे जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है, कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनस्वरता, ईश्वर में विश्वास या कठोर तप या वैराग्य। तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्म तीनों ही कर्मवाद के सिद्धांत पे ज्यादा फोकस करते थे, यानी कर्मवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था तीनों धर्मों में, ये क्या था, कॉमन था। यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन आपके पास ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या मल्लीनाथ। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ। जी हाँ गाइस, जो आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, लास्ट के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछ रहा है कि जैन धर्मावलंबी यानी जैन धर्म को मानने वाले महावीर को अंतिम क्या मानते हैं, ईश्वर,
दैवीय दूत, सन्यासी या तीर्थंकर। तो जैन धर्म को जो लोग मानते हैं वो महावीर को अंतिम तीर्थंकर मानते हैं। यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के, जैन मत के, हिंदुत्व के या सिख मत के। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं वो जैन मत से रिलेटेड हैं। जैन धर्म बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर के लोग थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर किसके अनुयायी थे, स्थूल भद्र के, और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे। तो यहाँ बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहार पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि बुद्ध किस वंश के से संबंधित थे, गणार्थिक, मौर्य, साक या कुरु। तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के पिताजी की, तो जो उनके गौतम बुद्ध के पिता थे वो साक्य गढ़ के मुखिया थे। तो बुद्ध भी किस वंश से रिलेटेड होंगे, साक्य वंश से। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी बौद्ध धर्म की जो स्थापना की किसने की, महावीर स्वामी ने, गुरु नानक देव ने, कबीर दास ने या गौतम बुद्ध ने। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे, गौतम बुद्ध थे। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण क्या होता है, महापरिनिर्वाण जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस घटना को महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया। तो वही पूछ रहा है कि किस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोध गया में। तो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कपिलवस्तु लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ऋषिपत्नम सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में क्या हुआ था, उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चारों मैंने ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन कर दिया है और चारों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से था, यानी जो बुद्ध अपने उपदेश देते थे उनका संबंध मुख्य रूप से किससे होता था, एक ही भगवान में भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता या आदर्श पूजा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बुद्ध के उपदेश थे उनका संबंध मुख्य रूप से विचार और आचार की शुद्धता, विचार मतलब जो आप सोचते हैं, आचार मतलब आचरण जैसा आप व्यवहार करते हैं, उनकी शुद्धता से रिलेटेड था। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, ऑप्शन में मैंने ही आपको इसका आंसर बता दिया, फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या कुशीनगर। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्नम सारनाथ में दिया था, बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कपिलवस्तु लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, ये कथन किसका है, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, अशोक महान का या महात्मा गांधी का। ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, ये भगवान बुद्ध ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से या गांधी जी से। तो गाइज यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो जातक कथा है वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध के पुनर्जीवन की जो कथाएं हैं वो जातक कथा में उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बिहार पे बता पाना मुश्किल है, क्योंकि मगध साम्राज्य में कई वंश ने शासन किया। सबसे पहले आपके हर्यक वंश आए, फिर उसके बाद शिशुनाग आए, फिर नंद वंश आए, फिर उसके बाद मौर्य आए, फिर सुंग आए, फिर कर्ण आए, फिर सातवाहन वंश आए। यहाँ जो आपके शासक के नाम दिए हुए हैं वो अलग अलग किससे रिलेटेड है, वंश से रिलेटेड। जैसे बिंबिसार, अजात शत्रु, ये आपके हर्यक वंश से रिलेटेड हैं, कालाशोक आपके शिशुनाग वंश से रिलेटेड है, उदयन ये अलग वंश से रिलेटेड है। ये उदयन अलग होता है, उदयन अलग होता है, उदयन जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, उदयन ये वत्स और कौसाम्बी से रिलेटेड है, यानी वत्स देश जो था जिसे इस आज की डेट में इलाहाबाद कहा जाता है और उसकी राजधानी प्राचीन काल में कौसाम्बी थी। तो उदयन वत्स देश के राजा थे। तो यहाँ उदयन और उदयन में कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों डिफरेंट है, एक नहीं है। तो ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, यहाँ आप बता नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत था,
यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत आया था वो कौन था? पायान, मेगास्थनीस, नादिरशाह या ह्यूयनसांग? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था वो था मेगास्थनीस। और मेगास्थनीस ने एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत फेमस थी है आज भी, उसका नाम है इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्यकालीन समाज के बारे में बताया था। और मेगास्थनीस किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो यहाँ मैंने आपको तीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछ रहे हैं कि अशोक के अभिलेख की लिपि क्या है? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या श्रद्धा? तो जो अशोक के अभिलेखों की लिपि है वो है ब्राह्मी लिखी। अशोक ने अपने अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखवाए थे। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र ने? तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पूछ रहा है कि सांची स्तूप इनमें से किस राजा ने बनवाया था? तो यहाँ भी आपका अशोक महान सही हो जाएगा। क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ वही सेम क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? अशोक ने करवाया था। तो यहाँ भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहे हैं कि सांची का जो स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है आज भी। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो अगर इन चारों राजवंशों की बात करें तो इन चारों राजवंशों में सातवाहन राजवंश सबसे प्राचीन है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? बिहार से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र या पंजाब से? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो संगम साहित्य है वो भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संत यानी जो थॉमस थे वे केरल कब पहुंचे? 24 ईस्वी में, 42 ईस्वी में, 52 ईस्वी में, 162 ईस्वी में? तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो संत थॉमस थे वो 52 ईस्वी में केरल पहुंचे थे। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। ऑप्शन आपके पास गुप्त शासन, मौर्य शासन, मुगल शासन, वर्धन शासन। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्राचीन भारत का कौन सा शासनकाल स्वर्णिम काल कहलाता है? गुप्त शासन। गुप्त शासन को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? कई बार मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ, कई बार रिपीट हो चुका है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन। तो भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को माना जाता है, जिनका अभिलेख कहाँ है? आपका इलाहाबाद में, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है जो कि इलाहाबाद में है। तो यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेघदूत के लेखक कौन है? कौटिल, बाणभट्ट, कालिदास या भास्कराचार्य? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मेघदूत के लेखक है वो है कालिदास। कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? वात्स्यायन, विशाखदत्त, विष्णु शर्मा या वराहमिहिर? यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मुद्रा राक्षस है उसके रचयिता है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की पुस्तक की रचना की है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि आर्यभट्ट क्या थे? एक चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोलविद्ता थे या वैज्ञानिक थे? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आर्यभट्ट थे वो क्या थे? एक खगोलविद्ता थे। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट एक महान क्या थे? राजनीतिज्ञ थे, प्रशासक थे, खगोल शास्त्री थे या इनमें से कोई नहीं? तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री भी थे। तो यहाँ सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पल्लवों ने शासन कहाँ किया? मदुरई में, तिरुचेंदूर से, तंजौर से या कांचीपुरम से? तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कांचीपुरम, की पल्लवों ने कांचीपुरम से शासन किया था। तो यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? राजेंद्र फर्स्ट, दंतीदुर्ग, बलबन या विजयालय? तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो चोल राजवंश का संस्थापक था वो था आपका विजयालय। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? पांड्य शासकों ने, चोल शासकों ने, चालुक्य शासकों ने या पल्लव शासकों ने? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो चंदावुर का बृहदीश्वर मंदिर है उसे चोल शासकों ने बनवाया था। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें पूछ रहा है कि ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता थी, चोल शासकों की, सातवाहन की, मौर्य की या कुषाण की। तो मैं आपको बता दूं यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो ग्रामीण स्वायत्तता थी वो चोल शासकों की विशिष्टता थी। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि किला राय पिथौरा का निर्माण किसने कराया था, जयचंद ने, राय राम बहादुर ने, पृथ्वीराज चौहान ने या राजा पिथौरागढ़ ने। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया गया था वो पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, नालंदा, प्रयाग, कन्नौज या थानेश्वर। तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो थी कन्नौज। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ था, खिलजू शासकों द्वारा, गुलाम शासकों द्वारा, अरब शासकों द्वारा या तुर्क शासकों द्वारा। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था वो सर्वप्रथम अरब शासकों के माध्यम से हुआ था। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे, शेख हमीदुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख कुतुबुद्दीन औलिया या ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती। यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत के प्रथम सूफी संत थे वो थे आपके ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था, महेंद्रपाल ने, महीपाल ने, राज्यपाल ने या तेजपाल ने। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है उसे 13वीं शताब्दी में तेजपाल ने बनवाया था। तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां या अकबर। यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके साथ श्री कृष्ण देवराय के मित्रवत संबंध थे, ब्रिटिश शासकों द्वारा के साथ, डच के साथ, पुर्तगालियों के साथ या फ्रांसीसियों के साथ। तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि पुर्तगालियों के साथ श्री कृष्ण देवराय के मित्रवत संबंध थे। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहे कि हजारा रामा स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, प्रताप रुद्रदेव ने, रवि वर्मा फर्स्ट ने, कृष्ण देव राय ने या छत्रपति शिवाजी ने। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है कि जो हजारा रामा स्वामी का मंदिर है और विठल स्वामी का मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया था। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। इसे पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, यानी कहाँ पाए गए हैं, बीजापुर में, गोलकोंडा में, हम्पी में या बड़ौदा में। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं वो आपके हम्पी में पाए गए हैं। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन है, मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो निकोलो कोंटी था वो एक इतावली यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। यह बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछ रहे कि मुगल लोग कौन थे, अफगानी थे, अरबी थे, मंगोली थे या चगताई तुर्की थे। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है कि मुगल लोग कौन थे, चगताई तुर्की थे। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे, बाबर के, जहांगीर के, अकबर के या हुमायूं के। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली थे वो चित्रकारी के लिए मुगल शासक हुमायूं के क्या थे, सहयोगी थे। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि दिल्ली में जो स्थित है प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा उसके वास्तुकार कौन थे, मिराक मिर्जा घियात, अब्दुल लतीफ, मीर कासिम या शेख आलम शाह। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा
कि जो दिल्ली में स्थित है प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा, उसके वास्तुकार थे आपके मिराक मिर्जा घियात। तो ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछ रहा है कि कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं था, इलिटरेट था, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो अकबर था, जो अकबर मुगल सम्राट था, ये तो पता है सबको, तो क्या था, अशिक्षित था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन से भेदभाव पूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था, जकात, खराज, जजिया या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो जजिया कर था उसे सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछ रहे हैं कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने, अकबर ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि लाल, जो दिल्ली का लाल किला है, लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं। से पूछ रहा है कि अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि कौन थे, बीरबल, तुलसीदास, बैरम खां या रहीम। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो रहीम थे वो अकबर के दरबार के सुप्रसिद्ध कवि थे। तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने या शाहजहां ने। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो इबादत खाने का निर्माण करवाया था वो मुगल शासक अकबर ने करवाया था। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसमें पूछा है कि रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास इनमें से किस शासक के समकालीन थे, सम्राट अकबर के, शाहजहां के, हुमायूं के या शेरशाह सूरी के। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो तुलसीदास जी थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है वो अकबर के समकालीन थे। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में वो किनके किनके बीच हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच या बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में वो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछ रहा है कि लीलावती प्राचीन भारत का वृहत वृत्तांत है जो किससे रिलेटेड है, रसायन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से, गणित से या औषधि से। यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो लीलावती प्राचीन भारत का वृहत वृत्तांत है वो आपका गणित से रिलेटेड है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि वह मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी, यानी जिन्होंने खुद की बुक लिखी है, वो कौन कौन से मुगल शासक थे, बाबर और जहांगीर, जहांगीर और शेरशाह, हुमायूं और अकबर, बाबर और हुमायूं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बाबर और जहांगीर ऐसे दो मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर पूछा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में, देवगढ़ में, आगरा में या वैशाली में। यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो आपका सासाराम में स्थित है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है कि जो फतेहपुर सीकरी है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेशावर से लेकर कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने या शेरशाह सूरी ने। ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों को पता होना चाहिए, तो कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई है पेशावर से कोलकाता तक की वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा। तो यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा विक्रमादित्य या राजा भोज। तो सही ऑप्शन बताइए इसमें कमेंट करके कौन सा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो बुंदेला राजपूत थे उन्होंने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अमरदास। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो सिखों के तीसरे गुरु थे वो थे गुरु अमरदास। और गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन के बिहार पे डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि कौन सी है, यानी जन्म स्थान गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है वो कौन सा है, अमृतसर, पटना,
हरिद्वार या केदारनाथ, तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि वो है आपकी पटना, जिसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना उदयन ने की थी। उदयन अजात शत्रु का पुत्र था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। किसके लिए? राज्य के लिए, अपनी उसमें राज्य अधिकार के लिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। और वो हरियक वंश से रिलेटेड था, और हरियक वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की भी हत्या कर दी थी। किस लिए? राज्य के शासन के लिए। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने यहाँ से लेकर स्टार्टिंग तक की इसकी पूरी हिस्ट्री बता दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो पूछा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु रामदास जी ने? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछा है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने कब की थी? 1769 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में या 1499 ईस्वी में? यहाँ बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो खालसा पंथ की स्थापना करवाई थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, वो 1699 ईस्वी में की थी। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ करवाया था? गोविंद सिंह जी ने, रामदास ने, नानक ने या अर्जुन देव ने? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो पाहुल प्रणाली है उसे गोविंद सिंह जी ने आरंभ किया था। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुरु नानक जी का उपदेश क्या था? मनुष्यों में भाईचारा, सिखों का एक आतंकवादी संगठन बनाना, सिख मत का एक धर्म बनाना या सिखों की एकता? तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि गुरु नानक का उपदेश था कि मनुष्यों में आपस में भाईचारा होना चाहिए। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था, यानी जो शिवाजी के समय में मराठा संत थे वो कौन थे? संत ध्यानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ या संत तुकाराम? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि शिवाजी के समकालीन जो मराठा संत थे उनका नाम था संत तुकाराम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 73 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप खुद एनालाइज कर रहे होंगे कि ये कई बार आप ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और सभी रिपीट हुए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।